हेलो दोस्तों, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू लाइफ टॉक दुबई चैनल। दोस्तों, आप इंडिया से यूएई की यात्रा करना चाहते हैं और आपने एयर इंडिया या एयर इंडिया एक्सप्रेस पर अपना टिकट बुक कर लिया है, तो क्या है रूल्स एंड रेगुलेशंस? क्या अभी भी ICA GDRP अप्रूवल चाहिए, रैपिड PCR टेस्ट चाहिए? बहुत से लोगों ने मुझसे यह भी सवाल करते कि सौरभ भाई, मेरे पास दो पासपोर्ट है, एक पासपोर्ट पर वीज़ा है और एक पासपोर्ट नया बनवाया, किसी ने न्यू पासपोर्ट यूएई में बनवाया, किसी ने अपने होम कंट्री में बनवाया, तो क्या इस सिचुएशन में भी ICA GDRP अप्रूवल चाहिए? तो देखिए दोस्तों, आपके पास एक पासपोर्ट है, दो पासपोर्ट है, तीन पासपोर्ट है, चार पासपोर्ट है, किसी भी हालत में, किसी भी शर्त में ICA GDRP अप्रूवल नहीं चाहिए करंट सिचुएशन में, क्योंकि अप्रूवल सिस्टम को ही ख़त्म कर दिया गया है। और रैपिड PCR टेस्ट भी नहीं चाहिए, चाहे आप वैक्सीनेटेड पैसेंजर्स हैं, चाहे आप अनवैक्सीनेटेड पैसेंजर्स हैं। मतलब ICA GDRP अप्रूवल और रैपिड PCR टेस्ट को ख़त्म कर दिया गया है। आप वर्क वीज़ा पर ट्रैवल कर रहे हैं, आप रेसिडेंट वीज़ा पर ट्रैवल कर रहे हैं, आप विजिट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा पर ट्रैवल कर रहे हैं, रूल सेम है सबके लिए, सभी वीज़ा धारकों के लिए सेम रूल है। लेकिन अगर आपके पास एक से अधिक पासपोर्ट है, मतलब दो या तीन पासपोर्ट, चार पासपोर्ट है, तो ट्रैवल के समय सारे पासपोर्ट आपको कैरी करने होंगे, क्योंकि इमिग्रेशन में आपका जो होम कंट्री इमिग्रेशन, दुबई इमिग्रेशन या यूएई का किसी भी एयरपोर्ट, अबूधाबी या शारजा, मतलब यूएई इमिग्रेशन और आपका होम कंट्री इमिग्रेशन आपके जो सारे पासपोर्ट चेक करेंगे, तो इसलिए ट्रैवल के समय सारे पासपोर्ट आपको लेने होंगे। लेकिन ICA GDRP अप्रूवल किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में नहीं चाहिए करंट टाइम में। और रैपिड PCR टेस्ट भी ख़त्म कर दिया गया है, चाहे आप वैक्सीनेटेड ट्रैवलर्स हैं, चाहे आप अनवैक्सीनेटेड ट्रैवलर्स हैं। बहुत सारे लोग ये भी सवाल करते हैं कि सौरभ भाई, वैक्सीनेटेड पैसेंजर्स को अगर दुबई छोड़ के अबूधाबी, शारजा, रशाल के हम ये जो एयरपोर्ट्स हैं, तो ये एयरपोर्ट लैंड करना चाहते हैं वैक्सीनेटेड पैसेंजर्स, तो ICA वेबसाइट के ऊपर क्या वैक्सीन सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, क्या मैंडेटरी है? तो ये भी मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। आप चाहे तो आप अपलोड कर सकते हैं, आप नहीं भी अपलोड कर सकते। अभी रजिस्टर अराइवल QR कोड भी नहीं चाहिए ट्रैवल के लिए, जस्ट ट्रैवल के समय आप वैक्सीन सर्टिफिकेट कैरी करें, मतलब ICA वेबसाइट के ऊपर वैक्सीन सर्टिफिकेट अपलोड करना ये भी मैंडेटरी नहीं है। देखिए स्क्रीन के ऊपर एक स्क्रीनशॉट भी सीधा हो रहा है ICA वेबसाइट का, वहाँ से आप रीड कर सकते हैं। मतलब सेफ और सेफ, आप अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट कैरी करें तो आपको RT-PCR टेस्ट से छूट मिलेंगे। और ये रूल सारे वीज़ा धारकों के लिए, रेसिडेंट वीज़ा होल्डर्स, टूरिस्ट वीज़ा, वर्क वीज़ा, विजिट वीज़ा, सारे वीज़ा धारकों के लिए सेम रूल है। हाँ, RT-PCR टेस्ट का एक रूल है, अगर आप वैक्सीनेटेड है तो RT-PCR टेस्ट नहीं चाहिए, अगर आप अनवैक्सीनेटेड हैं तो RT-PCR टेस्ट चाहिए ट्रैवल से 48 घंटा के भीतर। मतलब अगर आपने अप्रूव वैक्सीन का, यूई अप्रूव वैक्सीन या WHO अप्रूव वैक्सीन का दोनों डोज ली हुई है, तो RT-PCR टेस्ट नहीं चाहिए। हाँ, ट्रैवल के समय आपको अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट कैरी करना होगा और वैक्सीन सर्टिफिकेट के ऊपर QR कोड होना चाहिए। मतलब RT-PCR टेस्ट से छूट मिलने के लिए आपको अपने साथ वैक्सीन सर्टिफिकेट कैरी करने होंगे। अगर आप अनवैक्सीनेटेड हैं तो आपको PCR टेस्ट करना होगा और ट्रैवल से 48 घंटे के भीतर, और PCR टेस्ट का जो सर्टिफिकेट कॉपी विद QR कोड आपको कैरी करना होगा। और एक कंडीशन में भी आपको RT-PCR टेस्ट से छूट मिल सकते हैं, अगर आपके पास COVID-19 रिकवरी सर्टिफिकेट है, तो जिस दिन आपका ट्रैवल है उसी दिन से एक महीने के अंदर COVID-19 रिकवरी सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए। मतलब आपको COVID-19 हुआ था और आपके पास अभी COVID-19 रिकवरी सर्टिफिकेट है, और इशू डेट जिस दिन आपका ट्रैवल है उसी दिन से एक महीने के भीतर सर्टिफिकेट का इशू डेट है, तो भी आपको RT-PCR टेस्ट से छूट मिलेंगे। मतलब इस सिचुएशन में आप वैक्सीनेटेड है, अनवैक्सीनेटेड है, इसे कोई मतलब नहीं है। अगर आपके पास रिकवरी सर्टिफिकेट है एक महीने के अंदर, तो आपको RT-PCR टेस्ट से छूट मिलेंगे। तो ये है रूल्स एंड रेगुलेशंस। और रैपिड PCR टेस्ट सारे पैसेंजर्स के लिए, वैक्सीनेटेड अनवैक्सीनेटेड सारे पैसेंजर्स के लिए ख़त्म कर दिया गया है। और 12 साल से नीचे जितने सारे चिल्ड्रेंस हैं तो RT-PCR टेस्ट नहीं चाहिए। 12 साल से ऊपर है तो, और आप वैक्सीनेटेड नहीं हैं, तो आपको RT-PCR टेस्ट करना होगा। बाकी 12 साल से नीचे जितने सारे चिल्ड्रेन है, वैक्सीनेटेड अनवैक्सीनेटेड, RT-PCR टेस्ट नहीं चाहिए इंडिया टू यूएई ट्रैवल करने के लिए। और ये रूल सारे वीज़ा धारकों के लिए सेम है, रेसिडेंट वीज़ा, वर्क वीज़ा, विजिट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, मतलब किसी भी हाल में ICA GDRP अप्रूवल नहीं चाहिए। आप एयर इंडिया एक्सप्रेस, एयर इंडिया, फ्लाई दुबई, एथियर एयरवेज, इंडिगो एयरलाइन या एयर अरबिया, मतलब सभी एयरलाइन के लिए भी सेम रूल है। तो मुझे आशा है आप समझ गए होंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबको इसके बारे में पता हो सके। वीडियो शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं न्यू अपडेट के साथ।